ओडिशा के बालासोर ट्रेन हादसे ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। लोगों की रूह कांप गई। हजारों लोगों को लाशों के ढेर और कटे शव देखकर आंखों में आंसू आ गए। तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मुआवजे के लिए अपनों को मारने पर तुले हुए हैं। ऐसी ही एक महिला का मामला सामने आया है। महिला ने मुआवजे के लिए पति के मरने का फर्जी दावा किया है। हालांकि पोल खुलने के बाद से आरोपी महिला फरार है। महिला के पति ने इस मामले को लेकर अपनी पत्नी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। कटक जिले के मड़ियाबंदा निवासी गीतांजलि दत्ता ने दावा किया कि उनके पति विजय दत्ता की 2 जून को रेल हादसे में मौत हो गई थी। उन्होंने एक शव की पहचान अपने पति के रूप में भी की थी। हालांकि दस्तावेजों की जांच के बाद पता चला कि महिला का दावा झूठा था। पुलिस ने बताया कि उस वक्त महिला को चेतावनी देकर छोड़ दिया गया, लेकिन महिला की मुश्किलें तब शुरू हुई जब उनके पति विजय दत्ता ने मड़ियाबंदा थाने में इस मामले को लेकर शिकायत दर्ज करवाई। उन्होंने बताया कि महिला गिरफ्तारी की डर से फरार है। बीते 13 साल से अपने पति से अलग रह रही थी। पुलिस ने बताया कि विजय ने गीतांजलि के खिलाफ सरकारी पैसे हड़पने की कोशिश करने और उनकी मौत का झूठा दावा करने को लेकर बड़ी कार्रवाई की मांग की है। मड़ियाबंदा थाने के प्रभारी ने बताया कि पुलिस ने विजय को बालासोर जिले के बहानागा थाने में शिकायत दर्ज कराने को कहा है, क्योंकि हादसा वहीं हुआ था। इस बीच मुख्य सचिव ने रेलवे और ओडिशा पुलिस से शवों पर फर्जी दावा करने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने को कहा है। आपको बता दें कि रेल हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों के लिए ओडिशा के मुख्यमंत्री ने 5 लाख रुपए, पीएम मोदी ने 2 लाख रुपए और रेल मंत्रालय ने 10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि का ऐलान किया था। ओडिशा के बालासोर में 2 जून को 2 यात्री ट्रेन और 1 मालगाड़ी के दुर्घटनाग्रस्त होने से कुल 288 लोगों की जान चली गई थी और 1200 से अधिक लोग घायल हो गए थे।